सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज, आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो लेके आ चुका हूँ भाई। तो आज की इस वीडियो में मैं दो बाइक को जो कंपेयर करने जा रहा हूँ, वो दोनों ही अपने इंडियन ब्रांड की बाइक है। तो जी हाँ, एक तरफ है भाई एक्सट्रीम की 125R, दूसरी तरफ है बजाज की पल्सर N150। तो चलिए आज इन दोनों बाइक को जो है मैं प्रॉपर कंपेयर करूँगा, बताऊँगा दोनों में से आपको परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है, माइलेज किस में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कंपेयर करेंगे। और अगर आप 2024 में दोनों ही में से कोई बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए भाई, ज़्यादा लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो एक्सट्रीम 125R टोटल आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। एक है IBS जिसकी प्राइस 1,14,000 आपको देखने को मिल जाएगी ऑन रोड, और एक है ABS जिसकी प्राइस आपको 1,22,000 देखने को मिल जाएगी ऑन रोड। वहीं पे जो पल्सर N150 है, ये भी आपको टोटल दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। एक है इसका सिंगल डिस्क वेरिएंट जिसका प्राइस है भाई 1,45,000, और जो इसका डुअल डिस्क वेरिएंट आ चुका है वो आपको करीब 1,51,000 का देखने को मिल जाएगा ऑन रोड। वाराणसी में प्राइस जो है भाई वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स में, तो आप एक बार जो है अपने सिटी एंड स्टेट के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लीजिएगा। दोनों बाइक का जो है आप एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए। बाइक जो है ये देख सकते हैं अभी आइडलिंग पे है, और काफी ज्यादा बेसी। तो गाइस, नो डाउट पल्सर N150 का इंजन जो थोड़ा बड़ा है और इसमें जो अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेसी आपको N150 का एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम का भी एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे है। डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों ही बाइक जो है कंप्लीट नेकेड डिज़ाइन में आती है। एक्सट्रीम 125R का डिज़ाइन जो है लेटेस्ट अभी मार्केट में नया आया है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी अग्रेसिव लुक देखने को मिल जाता है। वहीं पर पल्सर N150 भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी मतलब ऑलमोस्ट वही N160 वाला आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो दोनों ही बाइक जो है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दोनों बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो एक्सट्रीम 125R में फ्रंट में आपको LED DRL देखने को मिल जाता है, डुअल LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिलता है, प्लस LED इंडिकेटर विद हैजार्ड फ्लैशर आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस देख सकते हैं लाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वहीं पे N150 में भी आपको जो है डुअल LED DRL का सेटअप है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिलता है, और जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन टाइप आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई हैजार्ड फ्लैशर नहीं मिलता है। लेकिन देख सकते हैं भाई, अगर नाइट में विजिबिलिटी की बात की जाए, जो N150 का सिंगल प्रोजेक्टर है ना, वो एक्सट्रीम के जो डुअल प्रोजेक्टर से ज़्यादा बेटर आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो N150 का जो लाइट्स है, रात में आपको ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस देंगे, किसी भी रोड्स पे जाइए आप, ज़्यादा क्लियर लाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं N150 का जो प्रोजेक्टर सेटअप है। वहीं पे नीचे आते हैं, तो नीचे दोनों बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने दोनों बाइक को पर्सनली बहुत लंबे टाइम तक चलाया है, मोस्टली हर एक रोड कंडीशंस पे, और दोनों बाइक का आपको मैं बता दूँगा डिटेल्ड रिव्यू, स्पीड टेस्ट, माइलेज टेस्ट भी, मतलब काफ़ी N150 का आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और एक्सट्रीम का भी आपको रिव्यू सब कुछ मेरे चैनल मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो एक्सट्रीम 125R का काफ़ी बढ़िया है, मतलब इंडियन रोड के हिसाब से बढ़िया ट्यून्ड है, गड्ढों में जाती है बिल्कुल पता नहीं लगेगा, आराम से निकल जाती है। वहीं पर पल्सर N150 का जो सस्पेंशन सेटअप है, इसका सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा सा मिड में है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो जिससे जो है पल्सर N150 की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब आते हैं ब्रेक्स की तरफ। तो एक्सट्रीम 125R का अगर आप IBS वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क, और वहीं पे अगर ABS वेरिएंट लेते हैं तो फ्रंट में 276mm का डिस्क मिलता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसमें रियर में कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। वहीं पर पल्सर N150 में आपको फ्रंट में 260mm का डिस्क मिलता है, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। और उसका अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं, तो वहाँ पे आपको डुअल डिस्क देखने को मिल जाता है, मतलब रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। और दोनों बाइक जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। लेकिन अगर ब्रेकिंग का फीडबैक की बात की जाए, तो N150 का जो ब्रेक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेटर लगता है एक्सट्रीम के मुकाबले। दोनों ही बाइक जो है 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ आती है। टायर साइज़ की बात की जाए, तो दोनों में जो है भाई फ्रंट में सिमिलर टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, 90x90 का टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, और एक्सट्रीम में जो है भाई 120x80 का रियर टायर
मिलता है, वहीं पे N150 में 120/70 का जो है रियर टायर्स देखने को मिल जाता है। तो टायर साइज देख सकते हैं, मतलब दोनों बाइक में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं गाइस फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तरफ, तो XT125R में जो है 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। माइलेज अराउंड 50-60 KMPL का आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पल्सर N150 में आपको काफ़ी बड़ा मतलब 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और इसका माइलेज जो है आप अराउंड 45-50 KMPL का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज डिपेंड करता है भाई आपके राइडिंग कंडीशन पे भी। दुखाइज अगर आप देख सकते हैं मतलब N150 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो ज़्यादा बड़ा है, अगर आप हाईवे पर राइड्स करते हैं तो जल्दी जल्दी आपको रिफ्यूल नहीं कराना पड़ेगा। अब आते हैं मीटर की तरफ, तो दोनों ही बाइक में फुली डिजिटल आपको मीटर देखने को मिलता है। XT125R में भी जो है फुली डिजिटल मीटर है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो दोनों बाइक जो ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि RPM रेंज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू MT, गियर पोजीशन इंडिकेटर, प्लस दोनों बाइक जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है यहाँ पे। और अब आते हैं भाई सबसे मेन चीज़ की तरफ, जो है दोनों बाइक का इंजन। तो यहाँ पे XT125R में आपको 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का एयर कूल 5-speed गियरबॉक्स और BS6 Phase 2 FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि E20 कंपैटिबल वाला इंजन है। पावर की बात की जाए तो 11.4 PS की पावर जनरेट करता है 8500 RPM पे, एंड टॉर्क जनरेट करता है करीब 10.5 Nm का 6000 RPM पे, और मतलब 136 kg के कर्व वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो 125 cc के सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं पे पल्सर N150 के इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 149.6 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का एयर कूल्ड 5-speed गियरबॉक्स का FI BS6 Phase 2 वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है भाई 14.3 PS की 8500 RPM पे, एंड टॉर्क जनरेट करता है 13.5 Nm का 6000 RPM पे, और कर्व वेट देख सकते हैं 145 kg का कर्व वेट के साथ आती है। तो पावर टू वेट रेशियो 150 cc सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पल्सर में भी आपको डिसेंट ही देखने को मिलता है। तो गाइस देख सकते हैं डेफिनेटली N150 का इंजन बड़ा है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है XT125R से। अगर आप कोई रेस परफॉर्म करते तो डेफिनेटली N150 जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी XT125R से। और इंजन रिफाइनमेंट की बात की जाए तो नो डाउट दोनों का इंजन रिफाइंड है, लेकिन हाँ पल्सर N150 का इंजन जो है और ज़्यादा रिफाइंड हो जाता है, और जिसका क्लच है वो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच आपको देखने को मिल जाता है, मतलब लाइटेस्ट इन द सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप N150 को दिन भर ट्रैफिक में राइड करते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई, आपके हाथों पे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो भाई एक्सट्रीम में जो है आपको 794 mm का सीट हाइट और 180 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर पल्सर N150 का जो है सीट हाइट वो 790 mm का है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm का देखने को मिल जाता है। तो गाइस देख सकते हैं सीट हाइट मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ N150 को भी मैंने जो है हर एक रोड कंडीशन पर टेस्ट किया है, तो कोई बहुत कभी मतलब कोई ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू वहाँ पर देखने को नहीं मिला है। दोनों बाइक को जो है आप डिसेंट मतलब अगर आप गाँव के रोड्स पर लेकर जाना चाहते हैं नॉर्मल स्पीड ब्रेकर्स पर, तो दोनों बाइक जो आराम से चली जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और तो गाइस ये तो रहे दोनों बाइक के स्पेक्स, अब बात करते हैं दोनों बाइक के में से किसके ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, हैंडलिंग और सारी चीज़ें कंफर्ट वगैरह। तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट पल्सर N150 का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगता है एक्सट्रीम से। काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और वहीं टॉप स्पीड की बात की जाए तो XT125R अराउंड 115-116 के आसपास जो है टॉप स्पीड अचीव कर लेती है, वहीं पर पल्सर N150 अराउंड 120-125 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। इंजन रिफाइनमेंट की बात कीजिए, पावर की बात कीजिए, तो दोनों जो है आपको N150 में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। हैंडलिंग भी जो है अगर आपको सिटी में मनूवर करना है, बहुत तेज़ी से जिगजैग करना है, एकदम मतलब ट्रैफिक राइडर बनना है ना, तो N150 का जो हैंडलिंग है आपको बहुत काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया देखने को मिल जाएगा XT125R से। और जो N150 का भाई वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी आपको 50-50 देखने को मिल जाता है, मतलब जितना वेट आगे है उतना ही पीछे भी है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, मतलब N150 काफ़ी आपको बैलेंस्ड फील होगी। और अगर राइडिंग पोस्चर की बात की जाए तो दोनों ही का ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सिमिलर ही देखने को मिल जाता है राइडिंग पोस्चर। एक्सट्रीम में थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट रहते हैं, और वहीं N150 में आप एक्सट्रीम के मुकाबले 1-2% जो है थोड़ा सा आगे की तरफ लीन रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर आपको फील होगा N150 पे।
तो गाइज अब बात करते हैं कि दोनों में से फाइनली किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज अगर देखिए, अगर आपको थोड़े से अपने पैसे बचाने हैं और अगर आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, प्लस एक डिसेंट पावर चाहिए, तो आप जा सकते हैं हीरो की एक्सट्रीम 125R की तरफ। वहीं पर अगर आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो N150 का मेन पावर है भाई, वो 3500 से 7500 RPM, मतलब इसका मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, तो सिटी में आप तुरंत ओवरटेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पावर के मामले में काफ़ी बड़ी, हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अगर आपको चाहिए, बिल्ड क्वालिटी प्लस जो है पल्सर की एक ब्रांडिंग भी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप थोड़े से पैसे और लगा के पल्सर N150 की तरफ जा सकते हैं। और जो N150 यहाँ पे सिंगल सीट के साथ आती है, तो अगर आप लेडी को किसी बैठा कर चलते हैं, मम्मी या कोई बहन को अपने, तो एज अ पिलियन वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट देखने को मिलता है एक्सट्रीम के मुकाबले। एक्सट्रीम में जो आपको स्प्लिट सीट मिलता है, तो थोड़ा सा जो है एक कंफर्ट के मामले में जो है लैग करता है एक्सट्रीम, बट हाँ पल्सर N150 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कंफर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो बस ये तो था भाई मेरे अकॉर्डिंग, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस था वो अपने अकॉर्डिंग बताया। अगर आपको बाइक लेनी है तो आप प्रॉपर एक बार शोरूम में जाके जो है, या किसी आपके फ्रेंड के पास है, तो आप दोनों बाइक की जो प्रॉपर टेस्ट राइड कर लीजिए, तब फिर डिसाइड करिए कि दोनों में से आपको कौन सी लेनी है। तो बस भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।